पत्र में किसी बहन ने लिखा जिसकी लड़की मर गई, जिसका लड़का मर गया। एक ही कुल के अंदर एक लड़का था, वो कुल का लड़का भी शांत हो गया। अब रोती बिलखती, कुल में एक लड़का था वो भी मर गया, लड़की भी मर गई, लड़का भी मर गया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। लिखा पत्र में किसी ने अपने एक पत्र को लिखा, मैं कोटा राजस्थान निवासी गोविंद सिंह, पत्नी कला सिसोदिया हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोविंद सिंह, पत्नी कला सिसोदिया हूं, कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। कला सिसोदिया हूं, गुरुजी मेरी दुख की व्याख्या का मैं क्या वर्णन करूं। 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री 12.5 वर्ष की थी, वो चली गई। 20 जून 2020 को मेरा पुत्र जो कि 20 वर्ष का था वो चले गया। पहले कितने साल की गई लड़की, जम के बोलो जरा, 11 वर्ष की। लड़का कितने साल का गया, 20 साल का लड़का चले गया। गुरुदेव दुख का पहाड़ टूट गया, पूरा खानदान हिल गया, क्योंकि कुल का इकलौता दीपक भी चले गया। रोते बिलखते करते क्या, उम्र भी ढल गई थी, बच्चे का कोई चांस, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है, संतान नहीं हो सकती। जहां रजो धर्म नहीं, संतान का सुख क्या, कैसे संतान प्राप्त हो। गुरुदेव तब किसी ने कहा कि शिव जी की भक्ति करो। सियोर वाला महाराज कथा करता है आस्था चैनल पर, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने ही सुन लो। टीवी के सामने कथा बैठ कर सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बेटी दोनों चले गए, कुल का दीपक चले गया, मेरी शादी को सालों हो गए, मेरा लड़का जब 20 साल का चले गया तो संतान की प्राप्ति कहा। बाबा अब आप कृपा करोगे तो संतान हो सकती है, नहीं तो कोई संतान का सुख नहीं। बस कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करा, बाबा से निवेदन कर कर जब निवेदन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा आया उसकी सोनोग्राफी जब हुई, जब जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, तुम अपने ऊपर खतरा मत लो, ये बच्चा शरीर से विकलांग है, शरीर बेकार है, इसका पूरा शरीर नहीं बना, धड़कन आदि कादि इस बच्चे की नहीं बनी। डॉक्टर ने कह दिया इसको गिरा दो, डॉक्टर ने कह दिया इसको साफ कर दो, पर मेरी सास और हम लोगों ने विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, सीहोर जाते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं, बाबा से निवेदन कर कर रुद्राक्ष लेकर आए, विनती कर कर आए सीहोर में जाकर, बाबा मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। हमने फिर जाँच कराई, 4-5 डॉक्टरों को बड़े बड़े शहर में जाकर दिखा दिया, पर डॉक्टर ने सब ने मना कर दिया, ये बच्चा पैदा ना करिए, जन्म मत दीजिए, ये बच्चा बेकार है, इस बच्चे को साफ करवा दो। पर हमने भी बाबा पर भरोसा करा, डॉक्टर हमसे कहते रहे तुम क्यों आडंबर में पड़े हुए हो, हमारी बात मानो, ये बच्चा ठीक नहीं है, साफ करा दो। तो भी हमने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा गुरुदेव, और 9 महीने जब पूर्ण हुए, डॉक्टर ने कहा इतनी उम्र के बाद बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करवाइए। तब मेरे पति ने 8 डली गुड़ की लेकर आपके कहने से तुमरुका जी का नाम लेकर मुझे खिलाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जो तिथि थी, जो वार था, जिस दिन लड़का शांत हुआ था, उसी तिथि उसी वार को मेरे भोलेनाथ कुबेर भंडारी ने लड़का वापस दे दिया। गुरुदेव मैंने उसका नाम डमरू बना रखा है, लिया उस डमरू को, लिया लिया लिया। उसी तिथि उसी वार उसी तारीख को मेरे को बाबा कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने फिर वापस
मेरा लड़का उसी तारीख उसी तिथि को दे दिया, ये बाबा की कृपा दृष्टि है महाराज। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर ओ घड़ी की कृपा महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से।